सुबह की नींद खोलने के लिए चाय की चुस्की जरूरी होती है। इंडियन लोगों की जो शुरुआत होती है वो चाय के गर्म गर्म प्याले से होती है। दोस्तों अगर चाय की चुस्की अगर सीमित मात्रा में ली जाए तो आपके अंदर ताजगी बढ़ सकती है, लेकिन लिमिट से ज्यादा या जरूरत से ज्यादा अगर चाय को ली जाए कहीं आपके सेहत को खराब नहीं कर दे। क्या दोस्तों आप भी चाय के दीवाने हैं? तो हो जाइए सावधान। जी हाँ दोस्तों, दिल को तसल्ली देने वाली ये चाय कहीं आपके दिल को कहीं आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। जी हाँ दोस्तों, अगर इस चाय को सीमित मात्रा में ली जाए तो आपके अंदर ताजगी भरेगी। अगर इसी चाय को अगर आप लिमिट से ज़्यादा अगर लिमिट को क्रॉस कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा चाय पीते हैं तो कहीं आपके दिल को कहीं आपके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाते दोस्तों। भले ही सुबह की चाय कुछ देर के लिए आपको ताजगी महसूस करवाती है लेकिन ताजगी का एहसास करवाती है, लेकिन दोस्तों चाय का ज़्यादा सेवन करने से कई तरह के नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं। यह हम बात करेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाय से होने वाले कौन कौन से नुकसान है उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राम सिंह सोलंकी अपने YouTube चैनल का हार्दिक स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ साथियों। दोस्तों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए दोस्तों। दोस्तों ज्यादा चाय पीने से जो आपके हार्ट जो आपके दिल है उसको भी परेशान कर देती है। दिल को तसल्ली देने वाली चाय कहीं आपके दिल को भी खराब नहीं करती दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाय का ज़्यादा सेवन करते हैं उसके अंदर कैफीन होता है। ये कैफीन क्या करता है कि आपकी दिल की जो धड़कन होती है जो आपके पाल्पेशन होता है उसको बढ़ा देता है और आपकी धड़कन बढ़ जाती है। ऐसे कैसे दोस्तों क्या होता है, अगर चाय ज़्यादा चाय पीते हैं तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है दोस्तों, अगर आप चाय के अंदर दूध की मात्रा अधिक डालते हैं तो उससे क्या होगा, उसके कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड जो फैट होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है और ये बढ़ने की वजह से जो अपनी वेन्स होती है जो अपने आर्टरीज होती है उसमें सिकुड़न आ जाती है। उस सिकुड़न की वजह से क्या होता है कि अपना बीपी जो होता है वो हाई हो जाता है। हाँ जी हाँ दोस्तों, अगर ज़्यादा चाय पियेंगे तो आपकी धड़कन भी बढ़ेगी, उसके साथ साथ आपके ब्लड प्रेशर भी हाई होगा। मतलब कि ये आपके दिल को परेशान कर सकती है, आपके हार्ट को नुकसान पहुँचा सकती है ज़्यादा चाय पीना। दोस्तों ज़्यादा चाय पीने से आपके आंतों को भी नुकसान पहुँच सकता है। अगर ज़्यादा चाय पीते हैं तो आपके पाचन संबंधी जो समस्या है उसको भी बढ़ा सकती है ये चाय। दोस्तों अगर दिन में 3 से 4 या 4 से 5 चाय अगर आप पी लेते हैं तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। आपके जो पेट के अंदर एसिड बढ़ जाएगा, इस एसिड बढ़ने की वजह से आपके मुंह में और गले में आपको जलन भी हो सकती है। दोस्तों चाय के अंदर कैफीन होता है जिसकी वजह से पेट के अंदर गैस बनती है और इस गैस बनने की वजह से आप कई बार कहते हैं कि हमारे पेट में आफरा आ गया हो, पेट फूल गए हो, ये होता है ज़्यादा चाय पीने की वजह से। दोस्तों ज़्यादा चाय कहीं आपकी नींद नहीं उड़ा ले। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ज़्यादा चाय का सेवन कर रहे हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आने से आपके जो दिमाग है वो तरोताजा नहीं रहेगा। चाय होती है थोड़ी देर के लिए ही आपको तरोताजा रखती है, लेकिन अगर आप चाय नहीं पीते हैं तो आपको पूरा दिन आलस से महसूस होगा, आलस जैसे महसूस होगी, क्योंकि आपको चाय पीने से जो प्रॉपर नींद नहीं आ रही है वो नींद खत्म हो जाती है। इसीलिए दोस्तों हम कहेंगे चाय को लिमिट में लीजिए। दोस्तों अगर आप चाय का सेवन करते हैं तो आपके चेहरे पर झुर्रियाँ भी पड़ सकती हैं, क्योंकि दोस्तों आप अगर चाय पी लेते हैं और चाय के बाद अगर आप पानी का सेवन नहीं करते हैं तो चाय के बाद अगर पानी का सेवन नहीं करेंगे तो क्या होगा कि डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन होने की वजह से आपके इस स्किन पे है झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाएगी। डिहाइड्रेशन की वजह से त्वचा में जो मौजूद नमी में कमी आ जाती है जिसके स्किन ड्राई हो जाती है, और ड्राई होने की वजह से आपके चेहरे पे रिंकल्स या झुर्रियाँ पड़नी शुरू हो जाती है साथियों। दोस्तों मेरा इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा चाय पीने से अगर आपको किसी तरह का नुकसान हो रहा है उस नुकसान को हटाने के लिए, उस नुकसान को खत्म करने के लिए होम्योपैथी में कौन कौन सी मेडिसिन आती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। इसलिए इस वीडियो के बाद आप जो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए साथियों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो के साथ, नए नॉलेज के साथ। जय हिंद, जय भारत।